अब आती है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर रीडिंग एट होम, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट है दो, एक है टाइम, दूसरा है ग्रंथ। टाइम का मतलब यह है कि आपको इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए 3 शेड्यूल सेट करने पड़ेंगे। 3 शेड्यूल, एक शेड्यूल है 15 मिनट का, दूसरा शेड्यूल है 30 मिनट का, और तीसरा शेड्यूल है फिर 15 मिनट का। ये तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग टाइम पे भी हो सकते हैं, कोई सुबह कर लिया, कोई दोपहर कर लिया, कोई शाम को कर लिया। तीनों एक साथ, दो एक साथ हो सकते हैं, 3 एक साथ हो सकते हैं, तीनों अलग अलग हो सकते हैं, पर आपके पास उसके शेड्यूल्स हैं कि आपको करना कैसे है वो बताया जाएगा। मतलब जैसे स्कूल में पीरियड होते हैं, एक फिजिक्स का है, एक केमिस्ट्री का है, एक बायोलॉजी का है, एक मैथमेटिक्स का है, एक हिंदी का है, एक इंग्लिश का है। इस तरह भगवद गीता को पढ़ने के लिए 3 पीरियड सेट करने हैं, 1 घंटा चाहिए टोटल, 1 आवर डेली का एक शेड्यूल आपके पास आ जाएगा पूरा, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अब आपको दूसरा है ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब यह है कि जो लैंग्वेज आप समझते हैं उस लैंग्वेज में आपको भगवद गीता को खरीदना पड़ेगा, हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली भी। जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश भी लें और हिंदी भी लें, और जिनको हिंदी आती है और इंग्लिश कम आती है केवल हिंदी ले लें, जिनको हिंदी आती है केवल हिंदी आती है केवल हिंदी ले लें, जिनको हिंदी इंग्लिश दोनों आती हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों ले लें। दोनों किताबों को साथ में रख के पढ़ने से आपको एक अलग फ़ायदा होगा। अब कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मलयाली बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, कोई बंगला बोलता है, तो एक ग्रंथ अपनी लैंग्वेज का ले लें, वर्नाकुलर लैंग्वेज है, और एक ग्रंथ ले लें इंग्लिश का। हिंदी लेना चाहें हिंदी भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको किस भाषा में पढ़ना है। नाउ अब आती है बात कि हमारे पीरियड नंबर 1 में हमें क्या करना है, जो कि हमारा 15 मिनट का है। 15 मिनट का पीरियड हमें कैसे बिताना है, कैसे हमें उसके अंदर रीडिंग करनी है। अब हमारे पास 3 चीजें हैं करने योग्य। नंबर 1 श्लोक संस्कृत में है, नंबर 2 सिनोनिम्स उसके जो है शब्दार्थ हैं, नंबर 3 अनुवाद हैं, और नंबर 4 तात्पर्य हैं। ये 4 चीजें हैं। इसको हम 3 चीजें इसलिए कह रहे हैं कि श्लोक और उसका शब्दार्थ 1 ले लिया, अनुवाद 2 ले लिया, और तात्पर्य 3 ले लिया। अब आप 1 से पढ़ना शुरू करोगे और आखिर तक जाओगे तो भूलते चले जाओगे, यू विल फॉरगेट। अब हमने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया, हमने कैसे किया कि हमने जो है पहले 15 मिनट में सिर्फ अनुवाद पढ़े हैं, और एक शेड्यूल बनाया है कि 700 श्लोक हैं, हमें 700 श्लोक के अनुवाद, केवल अनुवाद, कोई परपट नहीं पढ़ना है, कोई शब्द नहीं पढ़ना है, कोई शब्दार्थ नहीं पढ़ना है, कोई श्लोक नहीं पढ़ना है। अनुवाद खोला और हमने पढ़ दिया 10 श्लोकों का, 70 दिन में भगवद गीता खत्म। मैं आपको उदाहरण के तौर पे पढ़ के सुनाता हूं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि किस तरह हम जो है इसको खत्म करेंगे। कैसे ये समाप्त होगी, अब देखिए, पहला अध्याय और पहला श्लोक, हमें अनुवाद का पीरियड है, हमें 10 श्लोक पढ़ने हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहला श्लोक पढ़ लिया हमने, अनुवाद पढ़ लिया। दूसरा, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तीसरा श्लोक, हे आचार्य,
पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। श्लोक संख्या 4। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं यथा महारथी योद्धान विराट तथा द्रुपद। श्लोक संख्या 5। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती ध्वज तथा शैप जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक संख्या 6। पराक्रमी योद्धा मन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र सभी महारथी हैं। श्लोक संख्या 7। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। श्लोक संख्या 8। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सौमित्र का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव बिजी रहे हैं। श्लोक संख्या 9। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। श्लोक संख्या 10। हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पिता में द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। सिर्फ हमने अनुवाद पढ़ा है, हमने और कुछ नहीं पढ़ा। हमें नहीं पता परपट में क्या लिखा है, हमें नहीं पता श्लोक में क्या है, हमें नहीं पता श्लोक के शब्दों के अर्थ क्या है, हमने नहीं पढ़ा। ये हमारा जो है पहले दिन का पीरियड हुआ जिसमें कि हमने 10 अनुवाद पढ़े। अब हम वापस आते हैं पहले अनुवाद पे। पहले अनुवाद में वापस आते हैं तो पहले अनुवाद में क्या है, धृतराष्ट्र ने कहा। धृतराष्ट्र कौन है ये हमें पता होना चाहिए। हे संजय, संजय कौन है ये हमें पता होना चाहिए। धर्म भूमि क्यों कहा गया, भूमि कह देते, धर्म भूमि क्यों कहा गया ये पता होना चाहिए। कुरुक्षेत्र कुरुओं का क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है, किस लिए कुरुओं का क्षेत्र है, ये धर्म भूमि भी है कुरुक्षेत्र भी है, ऐसा क्यों है। युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने, अरे भाई तुम्हारे पुत्र भी कौरव हैं और उनके पुत्र भी कौरव हैं, दोनों कौरव ही तो हैं, तुमने पांडु के पुत्र कह दिया, ऐसा क्यों कहा गया। तो ये प्रश्न आपके मन में आने चाहिए। ये आपका जो अनुवाद है उसको पढ़ने के बाद ये सवाल आपके मन में उठने चाहिए। इसी तरह हर श्लोक के अंदर जो हमने अनुवाद पढ़ा है उसके अंदर हमारे मन में ये सवाल उठने चाहिए। अब देखिए, अब हम आगे जाते हैं। मान लीजिए हम जो है आगे तीसरे अध्याय में चलते चलते होले होले हम तीसरे अध्याय में पहुंच गए। श्लोक संख्या 1। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्लोक संख्या 2। आपके अनेक अर्थक मिले जुले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं इनमें ज्ञान तथा कर्म में मेरे लिए सर्वाधिक लाभप्रद कल्याणकारी क्या होगा। श्लोक संख्या 3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक संख्या 4। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। श्लोक संख्या 5। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। 6। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। 7। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है तो बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है। 8। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। 9। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, अतः हे कुंती पुत्र,
उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। श्लोक संख्या 10। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। मैंने सिर्फ अनुवाद पढ़े हैं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब मैंने कॉपी और पेन ले लिया। कॉपी पेन लेने के बाद मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। आई यूज माई इंटेलिजेंस। अर्जुन ने कहा, अर्जुन शब्द का अर्थ क्या होता है मालूम होना चाहिए। ये जनार्दन, जनार्दन किसे कहते हैं, शब्द का अर्थ क्या है, ये केशव, केशव शब्द का अर्थ क्या है, ये मुझे पता होना चाहिए। यदि आप बुद्धि को, या बुद्धि की चर्चा हो रही है, तो बुद्धि को हमने कहाँ पढ़ा? अरे दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की बात हो रही है, बुद्धि की बात हो रही, याद आ गया, तो वहां पढ़ा था बुद्धि के बारे में, वहां बुद्धि के बारे में चर्चा हुई थी। यस, सकाम कर्म क्या है, कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है, इसकी मैंने प्रश्न उठता है। आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते, ठीक है। इसके बाद दूसरा श्लोक प्रश्न उठता है, आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि ज्ञान तथा कर्म में मेरे लिए सर्वाधिक लाभकारी कल्याणकारी क्या होगा। अरे ये प्रश्न तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में हम पढ़ के आए हैं, छह सात निश्चितम रोहित में मेरे लिए कल्याणकारी क्या है मुझे बताइए। यहाँ भी वो पूछ रहा कल्याणकारी क्या है मुझे बताइए, तो कोरिलेट होगा। यस, मैंने पहले पढ़ा है, कल्याणकारी क्या है मुझे जानना चाहिए। श्लोक संख्या 3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप, निष्पाप क्यों कहा अर्जुन को? नंबर एक, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। आत्म साक्षात्कार क्या है ये तो हम दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में आत्म साक्षात्कार की चर्चा कर चुके हैं, पहले डिस्कशन हो चुकी है। इसका मतलब है आत्म साक्षात्कार शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो वहां से समझना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान योग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं ज्ञान योग क्या है, कुछ लोग भक्ति योग के द्वारा करते हैं भक्ति योग क्या है, इन दोनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4, न तो कर्म से विमुख होते, कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, तो कर्म फल क्या है और कर्म फल से छुटकारा क्या है ये पता होना चाहिए। न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकती है, संन्यास क्या है और सिद्धि क्या है। इस तरह करके हम जो है एक एक क्वेश्चन, एक एक श्लोक को पढ़ते जाएंगे और उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, इसको लिखते जाएंगे कि हमें किस चीज का आंसर चाहिए। जब वो आंसर्स हमें मिलेगा, जब हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, आंसर्स मिलेगा, हमें याद आएगा हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, हमें सारा पर्पस नहीं पढ़े, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ अनुवाद पढ़ा है, बस उसी अनुवाद को हमने 15 मिनट लगा के एनालाइज किया। 10 श्लोक का अनुवाद पढ़ने के लिए आपको लगते हैं टोटल 2 मिनट, 2 या 2.5 मिनट, बाकी 12-12.5 मिनट आपने उन श्लोकों को एनालाइज किया है, मतलब 10 श्लोकों के लिए आपने 1.5 मिनट हर श्लोक को दिया है, पहले पढ़ लिया उसके बाद एनालाइज कर लिया, तब आप आगे चले गए। तो आपने 70 दिन के अंदर भगवद गीता के सारे अनुवाद पढ़ डाले। अब क्या करें, पीरियड तो हमारा 15 मिनट का खत्म हो गया, 70 दिन में हमने समाप्त कर दिया, नहीं, अब आप पहले श्लोक से फिर आरंभ करेंगे। इस बार 15 श्लोक करेंगे 10 के बजाय 15 श्लोक करेंगे, तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो 45 दिन में खत्म हो जाएगा। 45 डेज में आप सारे अनुवाद रिवाइज कर लेंगे। जब ये क्वेश्चंस आपने निकाले हुए हैं, क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाएंगे, किताब सामने रखी है, ग्रंथ सामने रखा है और आपकी नोट्स की कॉपी भी सामने रखी हुई है, आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज हो गया, मैंने 2 बार कर लिया, मतलब मैंने भगवद गीता के अनुवाद 2 बार पढ़ लिए। अब मैं करता हूँ 20 श्लोक, 35 दिन में रिवाइज हो जाएगा। फिर मैं करता हूँ 25 श्लोक, 30 दिन में रिवाइज हो जाएगा, 28 दिन में रिवाइज हो जाएगा। फिर मैं करता हूँ 30 श्लोक, 22 दिन में रिवाइज हो जाएगा। इस तरह मैं 5-5 श्लोक हर रिवीजन में बढ़ाता रहता हूँ। अल्टीमेटली मैं देखता हूँ कि मैंने 15 दिन के अंदर 700 श्लोक करने हैं, तो एक दिन में कितने श्लोक हुए, 700 श्लोक और 15 दिन में हुए
तो एक दिन में 45 श्लोक हो जाएंगे, तो 45 श्लोक कर लिए। अरे तो चैप्टर खत्म हो गया, चलो अगली बार मैं एक चैप्टर करूंगा। दूसरा चैप्टर बहुत लंबा है, 72 श्लोक है, चलो 36 आज करता हूँ, 36 अगली बार कर लूंगा। तीसरे अध्याय के अंदर जो है 43 श्लोक है, एक बार में कर लूंगा। फिर आप 18 दिन में या 20-22 दिन के अंदर भगवद गीता रिवाइज कर दें, और आपको अनुवाद चूंकि बार बार रिवाइज हो रहे हैं, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, बार बार रिविजन हो रहा है, तो आप अनुवाद को भूलेंगे नहीं, फट से कोरिलेट करें। अरे दूसरे अध्याय में पढ़ा था, अरे ये छठे अध्याय में पढ़ा था, अरे मैंने आठवें अध्याय में पढ़ा था, अरे ये दूसरे में भी है, छठे में भी है, आठवें में भी है, ये मैंने जगह जगह पढ़ा था, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, मैंने सब कुछ किया हुआ है। तो यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग वेरी इजीली, कोरिलेशन हो जाएगा। ये है वो 15 मिनट का पीरियड। इसके अंदर जो है हम आपको एक लिस्ट भेज देंगे कि यस, एक लिस्ट के अंदर हम आज की डेट या कल की डेट डाल देंगे, कल की डेट से आपने उसको आरंभ कर देना है। अब अगर मान लीजिए 1% आप किसी दिन नहीं कर पाए, समय नहीं मिला, पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, शादी ब्याह में जाना था, बर्थडे पार्टी में जाना था, या सारा दिन इसी सेवा थी, मैं नहीं कर पाई, तो अगले दिन डबल कर दीजिएगा, उसको छोड़िएगा मत। जैसे हम लोग माला के लिए कहते हैं 16 माला नहीं हो पाई हैं, 13 हुई हैं, 12 हुई हैं, 4 माला नहीं कर पाए हैं, अगले दिन हम फिर 20 कर लेते हैं, हम उसको छोड़ते नहीं, पेंडिंग में नहीं डालते। इसी तरीके से इन श्लोकों को पेंडिंग में नहीं डालना, ये आपको रिवाइज कर लेना है। आपको इस श्लोकों को आप करके देखिएगा, इसका मैं आपको शेड्यूल, आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू शेयर द स्क्रीन और नॉट, ये आप बताएंगे कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कर सकते हैं जी, आप ग्रीन बटन होगा शेयर स्क्रीन का, ये ग्रीन बटन है, हाँ जी क्लिक कीजिए। ये यहाँ पर ये है, यहाँ मैंने शेयर किया और यहाँ पर स्क्रीन आ गई फुल। अब मैं, मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए जरा सर्च लगाने के लिए कि मेरा सामान है कहाँ। ये एक फाइल है, ये आपको अभी दिखाई देगी, एक्सेल का फाइल है ये, ये देखिए, ये पहला इसमें है टॉपिक 70 डेज 10 श्लोकास, फिर है 45 डेज 15 श्लोकास, फिर 35 डेज 20 श्लोकास, फिर 28 डेज 25 श्लोकास। तो यहाँ पर जो है मैं आज की तारीख डाल देता हूँ, आज की तारीख है आपकी 5वां महीना है और 9 तारीख है, तो सारी डेट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। ये आपको डेट्स चेंज दिखाई दे रही है सारी, 70 दिन के अंदर मैंने ये जो है टॉपिक खत्म कर दिया है, यहाँ पे 69, ये 69 डेज में खत्म हो गया है। टोटल 347 श्लोक यहाँ थे, 353 यहाँ थे, 700 श्लोक खत्म हो गए। अब मेरा आता है 45 डेज का, अभी आ गया जुलाई, ऑटोमेटिकली डेट्स चेंज हो गई हैं, हमने एक्सेल में प्रोग्राम फिट किया हुआ है, ऑटोमेटिकली डेट्स चेंज हो गई हैं। अब इसमें हमने लिख दिया है चैप्टर 1 एक से लेके 15, चैप्टर 1 एक से लेके 16 से लेके 30, 31 से लेके 46, इसमें चैप्टर 1 आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह करके आ गया, इसके बाद 20 श्लोक, ये सेप्टेम्बर 23 आ गया, ये आप आ गया अक्टूबर 23,
ये आपका आ गया नवंबर 23, ये आपका आ गया चैप्टर है पूरा का पूरा, फुल चैप्टर। ये 7 दिसंबर 23 तक आप जो है इसको समाप्त कर देंगे। अब इसको समाप्त करने के बाद फिर से 70 श्लोक चालू कर देंगे, पर उसको डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल चैप्टर 1 नहीं, जो हमने क्वेश्चन निकाले थे अनुवाद में से उसको रिवाइज करेंगे। यस yes, ये मैंने पढ़ा था, अब मेरा रिवीजन चल रहा है, मैंने पढ़ा था, मेरा रिवीजन चल रहा है। चाहे मैं 10 श्लोक से स्टार्ट करूं, चाहे मैं पूरा चैप्टर स्टार्ट करूं, वो मेरी चॉइस है। मैं अपने हिसाब से जब हम टीचिंग करेंगे आपको बताते रहेंगे प्रोग्रेस देख के कि आपको कैसे करना, हाउ डू यू डू इट, तो आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। अब देखिए ये आपका शेड्यूल जो है, ये मैं आपको यहाँ से पोस्ट कर दूंगा, और आप कहेंगे तो यहाँ पे आज की तारीख डाल दूंगा, आप कहेंगे तो यहाँ पे मैं अगली तारीख कल कल की तारीख डाल दूंगा, 10 मार्च से डाल दूंगा, 10 मई से डाल दूंगा मैं, 10 मई से आपका रीडिंग शेड्यूल जो है स्टार्ट हो गया है। तो आज हम जो है केवल अनुवाद के बारे में चर्चा करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। कल हम जो है चर्चा करेंगे परपट्स के बारे में, मतलब नेक्स्ट वीक में चर्चा करेंगे परपट्स के बारे में, दैट टू इफ आई कम बैक। बट बंद कर दे तो बहुत एवर हमेशा प्रभु जी आप रहेंगे हमारे साथ। तो इसमें आपको जो है पूरा पूरी नॉलेज दे देंगे कि किस तरीके से, अगर आप समझते हो कि हमें ये सिचुएशन जो है इसको ओवरकम करना है, इसको बंद करो, नेक्स्ट क्लास जो है वो कल सुबह कल शाम को कर सकते हैं। वो क्यों ऑन कर रही है क्लास आज करी है, नेक्स्ट क्लास कल शाम को कर सकते हैं, और थर्ड क्लास थर्सडे शाम को कर सकते हैं। तो मुझे फ्राइडे एडमिट होने जाना है, राजा फ्राइडे इज माय सर्जरी, तो मैं वेडनेसडे भी कर सकता हूँ और मैं थर्सडे भी कर सकता हूँ, दोनों दिन क्लास कर सकता हूँ, चॉइस इज योर्स, आना आपको है क्लास में, मर्जी आपकी है, जैसा आप चाहो वैसा कर। प्रभु जी दोनों दिन आ जाएंगे, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि तो आज मैंने आपको बताया है ऐसी आपको कल भी बताऊंगा, बट इसमें मुझे चाहिए वरुण प्रभु की हेल्प, क्योंकि आज फिर मेरे से प्रोग्राम नहीं स्टार्ट हुआ ये जूम का, he has to come at 5:45, से नहीं कल तो 5 बजे भी कर देंगे, कल कोई दिक्कत नहीं है, 4:45 बजे वरुण प्रभु को आके क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी, देन आई विल बी एबल टू डू इट, ताकि 15 मिनट मुझे रेस्ट मिले कि यस मिस नहीं कर रहे हैं, टाइम पे स्टार्ट हो गई है। तो कल हम जो है सेकंड सेशन करेंगे इसका। आज मैं आपको ये सेशन जो मैंने अभी तैयार किया है, डेट डाली है आज की, इसको मैं आज आपको व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दूंगा, यू कैन सी दिस ऑन व्हाट्सएप, आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा मैं कि मेरा जो आज का टॉपिक था मेरे 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 मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अगर यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट करी है, रिकॉर्डिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जानी चाहिए, ये फैलसी है, हम लोगों की कमजोरी है, हम लोगों की कमी है। पर लोगों आप लाइन में है क्या? वरुण प्रभु आप जवाब दीजिए। प्रभु जी मैं वरुण प्रभु जी से बात करके बता दूंगी। ऐसे आप अपना सवेरे का प्रोग्राम होस्ट करते हो, आपको जब तक मैं सीख नहीं जाता हूँ शाम का प्रोग्राम होस्ट करना है, और रोमिल माता जी को होस्ट बनाना है, वो दो भी हो सकते हैं। अच्छा तो वो 5-10 मिनट का दे सकता हूँ, बट मेरा ऑफिस टाइम होता है ना, अभी भी मैं कॉल पे था। ठीक है, बट आई कैन गिव हर द केटी, कैसे कर सकते हैं? यस आप उनसे बात करिए, उनको जो है बता दीजिए, मेरी जगह पे मेरे को भी बता दीजिए, उनको भी बता दीजिए, ताकि वो जो है इसको स्टार्ट कर लें और प्रोग्राम को सुचारू रूप से चला सके। नहीं नहीं प्रभु जी मैं आपको बता देता हूँ ना, इट्स वेरी सिंपल। प्रभु जी मैं तो अभी तक सीखा नहीं, बुद्धू हूँ, मूर्ख हूँ, मैं बता देता हूँ आपको जी, मुझसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। देखिए कंप्यूटर्स मेरा फील्ड नहीं है, इंटरनेट मेरा फील्ड नहीं है। नहीं मैं आपको सिंपल सिंपल वर्ड्स में बता दूंगा, है ना? आप मेरे को बताइए, आप ऐसा करिएगा एक स्पेशल 15 मिनट का 10 मिनट का सेशन अरेंज कर लेते हैं, मेरे को भी बता दीजिए और रोमिल माता जी को भी बता दीजिए, सो दैट शी कैन स्टार्ट दी प्रोग्राम
she can do, she can work on it and she can start it. बात करते हैं ताकि confusion ना हो, नहीं तो फिर मैं Google Meet पे जाऊंगा. Then I'll go on Google Meet. नहीं मैं explain कर दूंगा, nothing much in this हो जाएगा. चलिए अगर अभी अब किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकता है. जो भी प्रश्न करे अपना वीडियो ऑन करे और ऑडियो दोनों ऑन करे. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस प्रभु, वीडियो ऑन करिए. वीडियो तो ऑन है प्रभु जी मेरा. वीडियो ऑन है तो स्क्रीन पे आइए ना. मैं तो इनसेट में खुद को देख पा रहा हूँ. हाँ बताइए, आपको मैं देख पा रहा हूँ, बोलिए. मैं कह रहा हूँ प्रभु जी, ये जो 15 मिनट का आप जूम का कह रहे हो तो ये भी एक ऐसे क्लास सभी के साथ शेयर कर लीजिए, जिसको समझ में आए वही समझ लेंगे. देखिए प्रभु जी, हमने आपको तरीका बता दिया है, सिस्टम बता दिया है, हम आपको लिस्ट भेज रहे हैं, आप उसको घर में पढ़ना शुरू करिए. यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, जहां समझ में नहीं आएगी आप प्रश्न करना. आप प्रश्न करने से तो वो रोक नहीं रहा आपको, आप प्रश्न करिए. अच्छा जैसे प्रभु जी अभी अभी इमीडिएटली जैसे आपने 10 श्लोक जो पढ़े थे उसमें मुझे एक जगह जहां पे आया था कि द्रौपदी के पुत्र कौन है, सुभद्रा के पुत्र कौन है, वो मैं उत्तर नहीं दूंगा. दैट आई विल नॉट आंसर, दैट यू हैव टू फाइंड. तो पढ़ना आपको घर में, मुझे नहीं पढ़ना. रेडीमेड में आपको पका पकाया हलवा नहीं रहने वाला. आटा मिलेगा, घी मिलेगा, सूजी मिलेगी, चीनी मिलेगी, पानी मिलेगा, गैस मिलेगी, चूल्हा मिलेगा, पका हुआ. दैट यू हैव टू सर्च. जब आपके मन में आएगा कि मुझे सर्च करना है, फिर आप मुझसे पूछोगे मैं सर्च कहाँ करूं, फिर मैं आपको बताऊंगा सर्च कहाँ करना है, सर्च आपको करना है. तो मैं फिर भगवद गीता के लेक्चर्स ही ना दे दूं, जिसमें पहले दे रहा हूँ, 13वां अध्याय कर रहा हूँ, 14वां अध्याय कर रहा हूँ, 2रा अध्याय कर रहा हूँ, ये लेक्चर दे देता हूँ, सब बातें समझ में आ जाएंगी. घर में आपको पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना. मैंने आपको घर में पढ़ने का तरीका बताना है. मैंने बताया है कि क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप ढूंढो. कहाँ से ढूंढोगे, ये बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, हम बताएंगे कहाँ से मिलेगा. That I will answer you. किताब बता दूंगा, ग्रंथ बता दूंगा, वीडियो बता दूंगा, ढूंढना आपको आया, मुझे नहीं बताना. जी प्रभु जी, हरे कृष्ण. और कोई? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है. प्रभु जी, जो आपके नोट्स हैं, जो आपने इतने सालों से नोट्स बनाए हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग वो नोट्स ले सकते हैं? माता जी, मेरे नोट्स आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं. उनको कैसे एलोबोरेट करना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है, वो मैं ही कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाएंगे. उसको बुक फॉर्म नहीं मिल जा रही. हाँ हाँ, सुनिए 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 माता जी, सुनिए माता जी, सुनिए माता जी, सुनिए. जैसे प्रभु जी ने सवाल किया कि सेना कैसे व्यवस्थित करी, द्रुपद के पुत्र क्यों कहा, तो इसके लिए मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे, उसको सुनिए. मेरे चैनल पे जाइए, उसमें चैप्टर 2 देखिए, चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 में श्लोक संख्या देखिए, उस श्लोक का लेक्चर सुनिए, आपको आंसर मिल जाएगा. यू गेट द आंसर. क्योंकि मैंने जो भी पढ़ाया है प्रभुपाद के परपट से पढ़ाया है, कुछ अपने नोट से पढ़ाया है, जो मैंने जगह जगह सुना है उसको, उसके नोट्स बनाए हैं, जो और बुक्स हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की किताब है, बलदेव विद्याभूषण की किताब है, इस तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की किताब है, उनसे मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो सारे जो मिक्स करके जब मैं उनको एलोबरेट करता हूँ, प्रभुपाद ने लिखा है ना भगवद गीता 11 में, डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण, पढ़िए आप.
भगवत गीता आपने पढ़ी है, इसमें जो है लिखा हुआ है कि दिस बुक इज डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण, समर्पण वेदांत दर्शन पर गोविंद भाष्य के प्रणेता श्री बलदेव विद्याभूषण को। तो ये चीजें जो है हमने भगवद्गीता के पर्पट से उठाई हैं, दूसरी बुक से भी लिया है, उसके हमने नोट्स बनाए हैं, जगह जगह नोट्स बनाए हैं, नोट्स को हमने किताबों को पढ़ा तभी हम एक्सप्लेन कर पाते। तो ये आपको जो है जब हमारा लेक्चर सुनेंगे उस लेक्चर को ढूंढिए चैनल में जाके, चैनल में जाइए, आपको जो 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 पर्पट जो आपके अनुवाद चल रहे हैं उस अनुवाद के जो है आप चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके सुनिए, आप और मास्टरी हो जाएगी, आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे आप। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि चैनल पे जाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि ढूंढ के सुनना पड़ेगा। और किसी का सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी, संगत प्रणाम। Who's calling? माधवेंद्र चंद्र दास। बोलो जी माधवेंद्र प्रभु जी, बोलो। ये क्वेश्चन जो बनाएंगे हम, वो कम या ज्यादा हो सकते हैं? क्या मतलब? मतलब किसी कोई आदमी चार ढूंढेगा, कोई छह ढूंढेगा उसमें से, या मान लिया मेरे समझ में चार आए हैं क्वेश्चन, उसमें आठ। नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा, क्या कहना चाहते हैं, एग्जांपल दो मुझे। किसी श्लोक में आठ क्वेश्चन हैं, आठ क्वेश्चन बनते हैं, आप लिखो। सपोज मेरे समझ में चार आए, आंसर नहीं है, आंसर नहीं, क्वेश्चन ही चार आए मेरे दिमाग में कि चार बनते हैं, तो चार लिखो। ठीक है हरे कृष्ण। आपको एक क्वेश्चन बनता है, एक लिखो, दस बनते हैं, दस लिखो अनुवाद में से, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है ठीक। आपका बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है उसको टीचर पढ़ाती है कि आज मैंने तुझे जो है बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर के एक से लेके दस सवाल कराए हैं, तो ग्यारहवां सवाल नहीं वो करता, दस ही करता वो, तो ग्यारहवां नहीं अटेम्प्ट करता, जो टीचर के अनुसार चलता है। आपको भी टीचर के अनुसार चलना है, अपनी मर्जी से नहीं, और दस पढ़े तो दो मिनट में हो गया, मैं दस और पढ़ लेता हूँ, नो, उस दस को दस बार रिवाइज करिए आप, उस दस के आंसर ढूंढिए आप उसको। शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चलानी हमें, राजधानी नहीं चलानी हमें, क्या होगा राजधानी, कभी आप राजधानी में बैठे शताब्दी में बैठे हो? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पैसेंजर गाड़ी में बैठे, पैसेंजर गाड़ी में छोटा स्टेशन आया, आपको दिखाई दे गया नाम उसका, अगला स्टेशन आया आपको दिखाई दे गया नाम उसका, अगला स्टेशन आ गया आपको दिखाई दे गया नाम उसका, आप बैठ के शताब्दी में वंदे भारत में, स्टेशन कब निकल गया नाम पढ़ा ही नहीं गया, स्टेशन कब निकल गया नाम पढ़ा ही नहीं गया, वो तो पार हो गया। अब सोचते हो भैया मैं कहाँ तक पहुंच गया, फिर आप रेल यात्री लगाते हो, देखते हो कि मेरी गाड़ी कहाँ तक पहुंची, अच्छा चंडीगढ़ पहुंच गई है, 20 मिनट में पहुंचेगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। जब आप फास्ट चलोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यू हैव टू गो एट अ स्लो पेस। ये शेड्यूल बनाया है, बड़ा सोच समझ के बनाया है, बहुत दिमाग लगा के बनाया, बहुत बुद्धि का प्रयोग किया इसके अंदर कि भाई इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, मुझे इतना ही करना है, 15 मिनट का टॉपिक है मेरा, 15 के 20 मिनट हो सकते हैं, 10 नहीं होने चाहिए, मुझे आधा घंटा हो सकता है, मेरे पास टाइम है, मैं आधा घंटा लगाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं 10-15 के 10 मिनट नहीं करूंगा, मैं आई विल गिव फुल टाइम टू इट। श्लोक पढ़ने में तो 2 मिनट लगते हैं, अब पढ़ने, अब हम आज की तारीख में श्लोक पढ़ते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आंख के आगे से श्लोक निकला चलो पन्ना पलटा, श्लोक ना पन्ना पलटा, इतनी बार पढ़ा है कि आंख के आगे से पन्ना पलटते जाते हैं, श्लोक सामने आते जाते हैं, श्लोक मतलब हम
तीन घंटे के अंदर पूरी की पूरी भगवत गीता के श्लोक आपके आगे से निकाल देते हैं। आपको 15 श्लोक पढ़ने, 10 श्लोक पढ़ने हैं एक दिन में, 700 श्लोक 70 दिन में। 70 दिन में अगर 15 मिनट का टाइम लगाएंगे तो कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए? 70 को आप जो है डिवाइड करिएगा 15 4 से तो 1000 मिनट हो गए। 17-18 घंटे हो गए। तब पढ़ोगे तो समझोगे, फिर भी नहीं पढ़ाई है, समझा नहीं है, मुझे पढ़ना भी है मुझे समझना भी है, तो मेरे को 15 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए, आधा घंटा लगाए, मुझे उसको पढ़ना उस तरीके से है कि मुझे समझ में आ जाए। आई शुड बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड इट। और जो नहीं आंसर मिलेगा उसके वीडियो पोस्टेड है, मैं अपने वीडियोस का चैनल आपको पता, मेरा नाम डालिए यूट्यूब में, मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे सारे, मैं आपको उसका जो है अपना लिंक है आपके पास, उसको देखिएगा, आप उसको फॉरवर्ड करिए, दूसरे को पास ऑन करिएगा। दिस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड इट, को रिलेट कर पाए। अभी हमने पर्पस की बात नहीं करी, जब पर्पस की बात करेंगे कल तब आपको समझ में आ जाएगा कि पर्पस कैसे पढ़ रहे, उससे क्या फायदा होगा। उसके बाद थर्ड हमारा सेशन आएगा 15 मिनट का, रिसाइटेशन, हमें कितने श्लोक याद होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। जब इतना हमारा 1 घंटे का सेशन चलेगा, उसके बाद हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट विच एवरीबडी शुड नो, ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। 52 प्रश्नों के अंदर सारी भगवदगीता कवर कर दी जाए, 108 प्रश्नों के अंदर सारी भगवदगीता कवर कर दी जाए, वो सेशन अलग है, वो एक के बाद एक करेंगे। ठीक है, लौट आते हैं अगर वापस तो 6 महीने साल भर लगेगा, कोई बात नहीं, देंगे इसको टाइम, we will spend time on this, but this is my challenge कि आप वो 6 महीने के अंदर अपने आप में बदलाव दिखाई देगा, find a change in yourself, ठीक है, में तब्दीली दिखाई देगी। यस, क्या मैं था, क्या बन गया, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और कोई हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पूछ वाले, आई एम सचिन, सचिन शर्मा प्रभु जी, बोलिए जी सचिन शर्मा जी, बताइए प्रभु जी। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया ना 15 मिनट हमने पढ़ने हैं, तो उसमें 15 मिनट में 10 पढ़ने हैं, तो जो भी उसके मीनिंग वगैरह है उनके बारे में सोचना है, उनको हर एक को नोट करना है, उनके बारे में खुद स्टडी करना है कि उसका कहाँ क्या है रिलेशन है अनुवाद में, आगे नहीं जी, अभी अनुवाद में देखना है। अनुवाद में आपने पहले क्वेश्चन निकालने हैं, जब इसको रिवाइज करेंगे तब आप उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। अभी अनुवाद में 15 मिनट एक्सपेयर करिएगा, मुझे अनुवाद पढ़ा, मुझे इसमें से क्या क्या ज्ञान होना चाहिए उसको देखिए, फिर आपके पास स्पेयर टाइम है बाद में, तीनों 1 घंटे का टाइम लगाने के बाद फिर आप उसका आंसर ढूंढिए, नोबडी स्टॉप्स यू। पर अगर आप एक श्लोक का अनुवाद पढ़ के उसका आंसर ढूंढने में घंटा लगा देंगे, नेक्स्ट डे बोर हो जाएंगे, अरे मैं 10 श्लोक तो हुए नहीं, छोड़ो जी मारो बोली, क्या करेंगे, रहने दो, नहीं, आप वो 10 श्लोक करने ही करने हैं, उसके अंदर अंडरलाइन करना है, उसको समझना है कि भाई इसका मीनिंग क्या है। आज नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया, पर मैंने नोट कर लिया कि मुझे इसका मीनिंग पता होना चाहिए, मुझे इसका ज्ञान होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए ये मेरा ग्रंथ है, पहले श्लोक के अंदर है धर्म भूमि, मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्यों कहा गया। उसके बाद ये है श्लोक संख्या 2, दुर्योधन अपने गुरु के पास क्यों गया, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद है श्लोक संख्या 3, 4, 5, 6, इसमें नाम है, नाम मुझे पता होने चाहिए। अब देखिए, उसके बाद
ये आगे श्लोक संख्या 14 इसमें भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो मेरे को समझ में नहीं आया उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो मुझे समझ में आ गया वो मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरह करके आप जो है जब देखेंगे भगवद गीता को, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर टाइम लगेगा, ये आपका जो फुल सेशन है 70 दिन 45 दिन 35 दिन 25 दिन 20 दिन इसका टोटल करेंगे तो 6 महीने जाके बैठता है। 6 महीने के बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जब रिवीजन होता रहेगा तो आपकी मेमोरी में बात बैठती चली जाएगी। तो मैंने पिछली बार पढ़ा था 10 श्लोक पढ़ते, आज 15 पढ़ता हूँ, कल फिर 15 पढ़ूंगा, 15 का सेशन खत्म हो गया अब 20 पढ़ूंगा। तो वही श्लोक आप बार बार पढ़ रहे हो, रिवीजन, बच्चा जैसे रिवाइज करता है रिवाइज करता है रिवाइज करता है। रिवीजन का हमने मेडिकल कॉलेज में रिवीजन किए हैं, हमने स्कूल में रिवीजन किए हैं, हमें पता है, हमें याद है हमारे टीचर थे मैथमेटिक्स के, हमें किताब दी ट्रिग्नोमेट्री की, बोले करो, हमने सवाल कर दिए, दूसरी किताब दे दी इसको करो, सवाल सेम थे, कहते अच्छा आपने कर दिए हैं, फिर दोबारा करो, फिर चौथी बार करो। तो उसके बाद क्या होता था कि पांचवी बार जब किया तो जो सवाल करने में पहली बार लगे थे 5 मिनट अब लग गया 1 मिनट, 1 मिनट हो गया, क्योंकि सारे स्टेप्स याद थे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, ये कट 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 होता चला गया जी। इसी तरह जब इसको करेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अभी हम कल का सेशन करेंगे 5 से लेकर 6 बजे तक, इस पर मिलेंगे अगर आप रजामंद हैं तो। अगर आप तैयार हैं तो हम कल का सेशन करेंगे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, उसमें होगा पीरियड नंबर 2 जो कि 30 से 45 मिनट का होगा, और उसमें पर्पट्स के बारे में बताया जाएगा, पर्पट्स कैसे पढ़ने हैं, उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? यस, एक अजय अमोघा दास ने हाथ रेस किया है, अजीत सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बताइए प्रभु जी, टाइमिंग का तो... बोलिए। कहिए प्रभु, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका ऑडियो ऑन है, आपकी वीडियो ऑन है, बताइए। अरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे को आवाज आ रही है, आप अपनी बात करिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि हमारी छुट्टी जो है 5:15 होती है, तो आप टाइमिंग 5:30 का कर सकते हो क्लास का? ये आप आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, जैसा आपको सूट करे मैं वैसा तैयार हूँ। और प्रभु जी, एक और था जो क्वेश्चन आपने टोटल जो बताए थे ना क्लास में, वो मैं सब भेज दूंगा, सब मिल जाएंगे आप। वो शेयर कर देना, सारे भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, समाप्त करें फिर। एक सेकंड में चैट बॉक्स अगर हम चैट में किस किस का मैसेज आया हुआ है, प्लीज रिकॉर्ड द सेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू फॉर दिस हेल्पफुल सेशन। ये सायंत्री माता जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।
प्रभुजी कैसे हो? थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम।